नमस्कार, मैं मोहित शर्मा, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से अपनी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और यहां से आज बड़े बड़े दिग्गज दिखेंगे एनडीए के। इससे पहले नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार टिप्पणी कर चुकी हैं प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा था वाराणसी में एक बार भी नहीं गए हैं अब तक नरेंद्र मोदी, तो अब यहाँ पे नामांकन से पहले एक दिन पहले आए नरेंद्र मोदी। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका क्या जवाब देते हैं। इससे पहले अब देखा गया था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, मैं यहाँ नहीं आया, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। तो 2014 का उनका ये नारा था। अब देखना होगा कि 2019 में किस तरीके से रैली को संबोधित करेंगे। लोगों की भीड़ से ये बताया जा रहा है कि वाराणसी में मोदी लहर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है और जोरों शोरों से लहर जारी है। तो इस बार देखना होगा कि रोड शो में बीजेपी का किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा। और अमित शाह इसके ऊपर पहले ही बयानबाजी दे चुके हैं कि इस शो को खाली रोड शो ना बनाकर इसे मेगा रोड शो बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आज वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा कार से आएंगे, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय जाएंगे उसके बाद, और लंका गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माला अर्पण करेंगे। माला अर्पण करने के बाद वो यहाँ पर रैली संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पे एनडीए के भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी दिग्गज नेता आएंगे तो वो भी शामिल होंगे। अमित शाह आएंगे यहाँ पे, सुषमा स्वराज आएंगी, नितिन गडकरी आएंगे, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगे, और इसके अलावा पीयूष गोयल और योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज नेता यहाँ पे दिखेंगे। अब देखना होगा कि इस रोड शो को मेगा रोड शो कैसे मनाएगी। इससे पहले बीजेपी ये भी कह चुकी है कि उनके रोड शो को इतिहास में मील का पत्थर साबित करने की भरसक कोशिश में है। इस बार अब देखना होगा कि बीजेपी क्या कर पाएगी मील का पत्थर। तो अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे वाराणसी में मोदी लहर कैसी है। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें आई न्यूज़ इंडिया पर।